गाइज, वी ऑल आर इन अ प्रोसेस, इन अ हीलिंग प्रोसेस, पर इस प्रोसेस में बने रहना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हम यहाँ पर बने रहे ना, तो वी कैन कम आउट स्ट्रॉन्गर। Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping in into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. Hamari healing ka humanity par पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गाइज, आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है, इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है कि बहुत बार ना दिन में मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आई एम लूजिंग होप, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आई वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू सुसाइड दिस और दैट, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट अ लॉट, बिकॉज आई हैव ह्यूमन लिमिटेशन एंड आई कैन नॉट बी अवेलेबल टू एवरी वन। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी लाइफ में ना अपने होप को लूज करते जा रहे हैं। वो एक लाइफ के इस छोटे से एक्सपीरियंस जो जिसमें वो हैं आज अभी, जो डिफिकल्ट है, उसको लेकर ना अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं एंड दे थिंक कि यही उनकी लाइफ है। तो आज के वीडियो में मैं बस उन्हीं लोगों को एक स्पार्क ऑफ होप, एक लाइट ऑफ होप देना चाहती हूँ। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, डू नॉट मेक योर परसेप्शन बेस्ड अपॉन योर टेम्पररी एक्सपीरियंस। लाइफ छोटे छोटे टुकड़ों में, एक्सपीरियंसेस में चलती रहती है, बट व्हाट हैपेंस इज कि हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, जब हमारा जो फोकस है वो एकदम नैरो हो जाता है, जब हम फाइट फ्लाइट फ्रीज के फेस में आते हैं, तो हमारा विजन जो होता है ना, टनल विजन हो जाता है, और टनल विजन में से हम सिर्फ टनल जितना ही देख पाते हैं, टनल के अलावा जो लाइफ है हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो अंडरस्टैंड, जब आपके साथ सही नहीं हो रहा है तो आपका विजन बहुत नैरो हो चुका है, उस एक छोटे से एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप अपना पर्सपेक्टिव डेवलप ना करें। फॉर एग्जांपल, सपोज कुछ ऐसा हो गया, किसी इंसान ने आपके साथ कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया, जो कि बहुत बुरा था, एंड उसको लेकर आपने एक डिसीजन बना लिया, अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि लोग तो बुरे होते हैं। अब ये जो फिल्टर है ना, ये लाइफ लॉन्ग आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि इस फिल्टर के ही अकॉर्डिंग आपको लाइफ में ना अबंडेंस या फिर कोई भी टाइप का रिसोर्स या कोई भी हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि लोग बुरे होते हैं, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट बैड पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि आपने वो फिल्टर क्रिएट कर रखा है ना, उस फिल्टर के थ्रू ही आपको जो भी हेल्प मिलनी है ना, वो उसी फिल्टर के थ्रू मिलेगी। तो हमें ना ये छोटे छोटे फिल्टर्स नहीं क्रिएट करने हैं ड्यू टू आर टेम्पररी एक्सपीरियंस, क्योंकि एवरीथिंग इन आर लाइफ इज टेम्पररी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे हमारे लाइफ के अदर फेजेस गए हैं, वैसे ये फेज भी चला जाएगा, जस्ट इस प्रोसेस में ना बने रहिए। लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। यू नो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ सालों पहले कुछ ऐसा हुआ कि ऑफिस के किसी एक बंदे से ना थोड़ी सी गलती हो गई आई थिंक, और उनको ना वहाँ उस सीट से हटा दिया गया, और मुझे ना उनकी सीट पर अचानक से ही ना ऑर्डर निकाल कर लगा दिया गया। आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज वो जो सीट का काम था ना वो बहुत छोटा था, मेरी पोस्ट जो है ना उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी, बस इसी चीज़ का मुझे बुरा लग रहा था कि यार मैं इतनी अच्छी पोस्ट में, यूटिलाइज मी फॉर द ग्रेटर पर्पज ना, मतलब अच्छे काम के लिए लगाओ, क्योंकि मैं इतनी सैलरी उठा रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे एक रिसोर्सफुल जगह लगाया जाए ताकि जो है मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मुझे उस छोटी सी पोस्ट पर लगा दिया गया, तो 2-3 दिन तक मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जाकर अपने बॉस, जो सबसे बड़े बॉस है, उनसे बात की, एंड उन्होंने नहीं सुना। आई थिंक देर वॉज सम पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, बट लेट इट बी, जो भी था वो हो गया, उन्होंने नहीं सुना, एंड आई क्राइड फॉर 2-3 डेज, बट फिर मैंने वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर दिया, एंड लिटरली यू वोंट बी बिलीविंग, वहाँ का काम बहुत कम था। आई यूज टू फिनिश माई वर्क बिफोर टाइम, और मुझे उसके बाद बहुत सारा टाइम मिलता था अपने लिए, जबकि मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे ना टाइम चाहिए या मुझे छोटा काम चाहिए, कभी किसी को मैंने नहीं कहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे अबंडेंस ऑफ टाइम मिला। तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि आई यूज टू ब्रिंग माय बुक्स विद मी एट माय ऑफिस, है ना, तो वहाँ पर मैं साथ साथ में कोई डिस्टेंट लर्निंग का डिग्री, डिप्लोमा भी करने लग गई साइकोलॉजी पे, and I learned a lot. That was my best year of my life. जब मैंने इतनी सारी लर्निंग ली थी, वो भी ऑफिस में,
वो भी मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए, मतलब मुझे कोई लीव नहीं लेनी पड़ी टू स्टडी दैट मच, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा अलग से, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई. और द होल ईयर आई डिड माय इनर वर्क एंड आई डिड सो मेनी थिंग्स. वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे हर रोज़ उस सीट पर, एंड आई यूज़ टू स्टडी देम, देयर बिहेवियर, देयर साइकोलॉजी, उनका पास्ट, उनका ट्रॉमा, How is affecting them, उनका perception क्या है. तो I learned a lot. तो I will say कि जो कुछ भी आपकी life में हो रहा है ना, अभी आपको बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, but ये experience ना आपके लिए बहुत beneficial है. ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा. So do not make any decision or any perception based upon your temporary experience. Second thing is, divine is not preparing blessings for you. Divine is preparing you for all those blessings. ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहती है. मेरे पास YouTube, मेरे पास कोचिंग, मेरे पास इन सभी चीज़ों का, सभी प्लेटफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी थी, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो आपके पास भी ना हमेशा जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली अवेलेबल है अभी, और जो आपके पास है वो भी आपके पास बैक देन अवेलेबल थी. बट प्रॉब्लम क्या थी कि वी वर नॉट मीटिंग दैट पेस, वी वर नॉट मीटिंग दैट वाइब्रेशन. जिस वाइब्रेशन पे आपका गिफ्ट है, आपकी ब्लेसिंग है ना, उसको आप मीट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो टर्मोइल चल रहा है, जो हमारे लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो कुछ भी हम अभी फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको मोल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्गर बना रहा है, आपकी वाइब्रेशन को ना मैच करने की कोशिश कर रहा है टू योर ब्लेसिंग. ठीक है, तो गिफ्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीज़ें हमेशा अवेलेबल होती हैं, बट उस समय जब आपकी हार्डशिप चल रही है, आपके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब कंप्लीट होगा, आप उस ब्लेसिंग के ना एग्जैक्ट मैच होंगे, एंड एट दैट टाइम ना देर विल बी अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइक यू विल बी हील्ड एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल बी वाइब्रेटिंग ऑन योर हाइएस्ट वाइब्रेशन. तो जो टाइम मेरा लाइफ का बैड पार्ट था ना, तो उसमें मैं सीख रही थी, मैं लोगों को समझ रही थी, मैं खुद को समझ रही थी, मैं अपना इनर वर्क कर रही थी, सो दैट कि एक दिन जब मैं उसका वाइब्रेशनल मैच बन जाऊँ, अपने यूट्यूब का वाइब्रेशनल मैच बन जाऊँ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो शेयर करूँ, लोगों को कोच करूँ, गाइड करूँ, और बहुत सारे अदर अपने गिफ्ट्स शेयर करूँ. तो आपका डिफ़िकल्ट टाइम आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है, सो दैट यू मीट दैट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ योर ओन गिफ्ट. नंबर थर्ड, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गॉड इज और डिवाइन इज यूजिंग फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी. आपका पेन, आपका टर्मोइल, जो लाइफ में क्रिटिसिज्म आपने देखे हैं, जो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने देखी हैं, जो बैकलैशेज आपने देखे हैं, जो फाइट्स आपने देखी हैं, जो ऐसे डिफ़िकल्ट, पेनफुल, हर्टफुल एक्सपीरियंसेस आपने अपने लाइफ में देखे हैं, ये सारे डिवाइन आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप इसका एक्सपीरियंस लें, इसको फुल्ली एम्ब्रेस करें, इसको समझें. एंड जब आप इससे बाहर आएंगे, यू मस्ट हैव लर्न्ड ऑल योर लेसन्स. आप बहुत सारे लेसन्स लेकर ना बाहर आएंगे. आपको पता होगा जब आप इस खड्डे में गिरे और इससे बाहर आए, तो आप कैसे बाहर आए. नाउ यू हैव होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद यू, यू हैव होल लॉट ऑफ लेसन्स जिससे आप उस कुएं से बाहर आ सकते हैं. जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप इससे कैसे बाहर आए, यू कैन हेल्प अदर्स. तो डिवाइन इज यूजिंग यू एज हिज इंस्ट्रूमेंट, सो दैट कि आप उन लोगों को रास्ता दिखाएं जो खड्डे में गिर जाते हैं. ठीक है, तो आई हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जिनको शायद शब्दों में बताना, बयान करना बहुत मुश्किल होता है. सुपरफिशियली अगर
सुपरफिशियली अगर कोई मेरी लाइफ को देखेगा ना, वो तो यही सोचेगा कि अरे यार इसके पास तो जॉब है, इसके पास तो इतना ब्यूटीफुल घर है, रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, इन लॉज है, तो ये ऐसे क्यों फील कर रही है, ये अपनी लाइफ को लेकर ऐसा क्यों सोच रही है। उस टाइम हर किसी को ऐसा ही लगा था एक्चुअली, बट आई नो वट आई वॉज गोइंग थ्रू। आई हैड इमोशनल नमनेस फॉर मैनी मैनी, जो धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। आई हैड वेरी डिफिकल्ट अवेकनिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल turmoil, so I know what it is to be in that state. तभी तो आज ऐसे लोगों की हेल्प कर पाती हूँ जिनकी प्रॉब्लम को ना कोई नहीं समझ सकता, एंड एवरीबडी सेज दैट कि मैम आप ही हो जो हमारी सिचुएशन को समझ सकते हो, नहीं तो कोई भी सिचुएशन को नहीं समझ सकता। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो मैं फिर से यही कहूँगी कि यू आर लर्निंग ऑल योर लेसन्स सो दैट डिवाइन कैन यूज़ यू फॉर अ बेटर पर्पस टू हेल्प एवरीवन जो कि उस कंडीशन में आज है। एट लास्ट माय फाइनल वर्ड्स आई विल से कि आप आज अगर मेंटल टर्मोइल में हो तो आज आपको नहीं पता लगेगा, किसी भी कंडीशन में आप ये नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कि आज आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट कैसे है, बट जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कई सालों बाद आपको जरूर नजर आएगा। आई होप आज के वीडियो ने आपको थोड़ी सी तो होप दी होगी कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में ना हमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ बने रहना है अगर हमसे कुछ भी नहीं हो रहा। जस्ट कीप ऑन लिविंग, कीप ऑन ब्रीदिंग एंड गेट गोइंग, एंड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा से करते हैं। आई हैड वेरी डार्क सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग, एंड इसके साथ ये ऐसा कैसे फील कर सकती है, बट आई हैव गॉन थ्रू मैनी ईयर्स एंड